नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सैमसंग का सेट देखने वाले हैं जिसके अंदर HDMI पोर्ट काम नहीं कर रहा था। उसके अंदर चार HDMI पोर्ट दिया था, चार को चारों पोर्ट काम नहीं कर रहा था। तो वो सेट पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये देखिए, यह सेट है जिसके अंदर यहाँ पर चार पोर्ट दिया हुआ है HDMI का। आप देख सकते हो यहाँ पर चार पोर्ट लगा हुआ है HDMI का। ये चार का चारों पोर्ट काम नहीं कर रहा था, उसके लिए दो ICs लगाई थी बड़ी बड़ी। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या दिक्कत आई और जिसकी वजह से हमारा चार का चारों पोर्ट जो है काम नहीं किया। ओके, तो जैसे देख सकते हो अब उसका ये मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई है और ये इसका टिकॉन है। तो अगर आपको सैमसंग के अंदर ट्रबल शूटिंग करना है तो सबसे पहले आपको, अगर जैसे कि आपको चेक करना है पावर सप्लाई सही है या ख़राब है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बैकलाइट जल जाएगा। आपका 90% फॉल्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है फॉल्ट पावर सप्लाई में नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी 5% रह जो 10% रह जाता है, वो आपका 5 वोल्ट BSB का है। 5 वोल्ट BSB की अगर सप्लाई कम ज़्यादा रहेगी तो भी आपका बैकलाइट जल जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है 5 वोल्ट BSB आपका करेक्ट है या नहीं है। अगर 5 वोल्ट BSB आपका 4.5 वोल्ट भी रहेगा तो भी आपको रीस्टार्ट का फॉल्ट देगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो पोर्ट है वो किस तरह से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फॉल्ट देख सकते हो, ये हमारा सेट है पूरा। अभी हमने HDMI 1 पे लगा के रखा है और जैसे कि सेट को ऑन करते हैं तो सेट को ऑन करने के बाद ही यहाँ पर सैमसंग लिख के आएगा, आपको सैमसंग स्मार्ट लिख के आ गया है। लेकिन अभी हमारा सेट जो है चालू हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगता चालू होने में, फिर भी सेट हमारा लेट चालू हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर दिक्कत है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर HDMI 1 लिख के आ गया है और यहाँ पर सर्चिंग फॉर सिग्नल लिख के आ रहा है और HDMI 1 में हमारा लगा हुआ है, लेकिन पिक्चर कोई भी हमको देखने को नहीं मिला। इसी हिसाब से हम HDMI 2 में लगाते हैं। चार के चारों पोर्ट में हम बारी बारी से लगा के देखेंगे, किसी भी पोर्ट में अगर पिक्चर दिखा तो ठीक है, नहीं तो हम इसका रिपेयरिंग का काम चालू करेंगे। अभी HDMI 2 में हम लोग डाल रहे हैं। HDMI 2 में भी आपको देखो पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकती है सर्चिंग फॉर सिग्नल लिख के आ रहा है। ऐसे ही आपको सब पोर्ट के अंदर दिखाएगा, चाहे आप 1 में लिखाओ, 2 में लगाओ, 3 में लगाओ, 4 में लगाओ, सब में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। अगर आपका HDMI पोर्ट काम नहीं करेगा तो आप कोई भी पोर्ट में लगा के देखो, अगर आपका पर्टिकुलर HDMI से IC से रिलेटेड या फिर वोल्टेज से रिलेटेड फॉल्ट रहेगा तो कभी भी किसी HDMI पोर्ट में आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उसके पीछे का कुछ क्वाइले वाले मिसिंग रहे, क्वाइले जो है ओपन ओपन हो गई रहेंगी, तो आपको पर्टिकुलर पोर्ट काम नहीं करेगा, बाकी आपका सारा पोर्ट जो है वो काम करते हुए आपको नज़र आएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर कोई भी पोर्ट नहीं चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका कॉइल से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, आपका जो है IC से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वोल्टेज का, या फिर IC आपकी ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हो हमने ये चौथा HDMI पोर्ट को लगाया है और यहाँ पर आपको देख सकते हो कि नो सिग्नल, भी यहाँ पर भी सिग्नल हमको नहीं मिला है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको कभी भी इस तरह का फॉल्ट आया तो सबसे पहले आपको HDMI पोर्ट के पीछे ऐसे देखो क्वाइल नज़र आएगी, ठीक है। वो क्वाइल को आपको सभी क्वाइलों को यहाँ पर भी नज़र आएगा, इसमें भी चार के चारों में नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही में यूज़ किया हुआ है, बाकी तीन में यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आपको एक में चेक कर लेना है अगर क्या इसका भी सही है ख़राब है। उसके बाद यहाँ पर अगर सही है और बाकी का आपका पोर्ट में नहीं लगा हुआ है तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन HDMI का किससे आएगा, HDMI IC के ऊपर। तो ये इसका भी कनेक्शन और इसका कनेक्शन, चार का चारों कनेक्शन इसके अंदर आएगा, इसको हम बोलेंगे HDMI सिलेक्शन IC, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जाएगा एक और IC लगा है, जो कि किसी भी पोर्ट में, चाहे आपका कोई भी पोर्ट होने दो, HDMI होने दो, USB होने दो, कुछ भी होने दो, आपका सारा डेटा एक टाइम इसमें आएगा। उसके बाद में ये डिलीवर करेगा इसको, समझ में आए। तो यहाँ पर दो ICs लगी हैं, उसके बाद में चाहे USB लगाओ, RC लगाओ, कुछ भी लगाओ, HDMI का कनेक्शन इसमें आया, USB कनेक्शन इसमें आएगा, RC कनेक्शन इसमें आएगा, उसके बाद में ये डेटा इसको डिलीवर करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर सबको चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, जैसे इसको भी चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, इसका जो कोर वोल्टेज होता है वो चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर जो रैम लगा हुआ उसको वोल्टेज चाहिए, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो है इसका कोई ना कोई सप्लाई अगर आपका मिसिंग रहेगा तो आपका कोई भी HDMI पोर्ट काम नहीं करेगा। ओके, बाकी का पोर्ट आपका, जैसे कि आपका USB हो गया, अगर USB भी इससे रिलेटेड, जैसे कि ये IC के वोल्टेज के रिलेटेड अगर भी कोई फॉल्ट रहेगा तो आपका USB भी नहीं चलेगा,
ठीक है। जैसे अगर एक क्वाइल वोल्टेज बना के इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है, जैसे कि ये एक आईसी है, ठीक है, अगर ये वोल्टेज बना के इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, तो आपका कोई भी पोर्ट आपका काम नहीं करेगा, समझ में आया। तो इसके लिए सबसे पहले क्लेरिफिकेशन करना है कि इसका आईसी का और ये आईसी का वोल्टेज तो दोनों प्रॉपर है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो सर्विस मैनुअल देता है, कंपनी देता है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह से सर्विस मैनुअल देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बोर्ड का ये पूरा चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी अलग अलग तरीके से ट्रबल शूटिंग देता है। अभी नो पावर में हम लोग को क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर देखिए पूरा एकदम वोल्टेज फ्लो चार्ट बनाया है कि सबसे पहले सब पावर सप्लाई में 5 वोल्ट स्टैंड बाई चेक कीजिए, 13 वोल्ट चेक कीजिए, उसके बाद बाकी सब आईसी का दिया रहेगा, फिर ये करो वो करो, फिर यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ चेंज करने के बाद करेगा, रिपेयरिंग करने कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद में आपको ये देखिए ये मदरबोर्ड आपको दिखा दिया है कि ये मदरबोर्ड का अलग अलग पार्ट का अलग अलग लोकेशन है, ठीक है, और उसके वोल्टेज डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कॉइल नज़र आएगा, समझ में आपको यहाँ पर एक कॉइल नज़र आया जिसके अंदर 3.3 वोल्ट बनेगा, यहाँ पर एक कॉइल लगा है जिसके अंदर रैम का सप्लाई बनेगा, यहाँ पर एक कॉइल लगा है 1.1 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पर एक कॉइल लगा है 1.2 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पर एक कॉइल लगा है 3.3 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पर एक कॉइल लगा है 3.3 वोल्ट चेक करना है। इसी हिसाब से आपको सब वोल्टेजेस जो दिया हुआ है बेसिक वोल्टेजेस, उस सभी वोल्टेजेस को आपको चेक कर लेना है, ओके। और ऐसे ही आपको टिकॉन के अंदर ये बताएगा कि टिकॉन के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करना है। जैसे ये बता रहा है कि फ्यूज के ऊपर आपका जब स्टैंड सर्किट ऑन होगा तो फ्यूज के ऊपर आपको 13 वोल्ट चेक करना है, जैसे नो पिक्चर कंडीशन में है, तो वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए अगर साउंड नहीं आएगा तो साउंड का ही ना इनपुट पीसी वी सिंक ये सब सिग्नल दिया हुआ है। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, आगे चलते हैं और एक आएगा वेबफॉर्म दिया है, ये आपका इनपुट जो वीडियो सिग्नल होता है उसका वेबफॉर्म बताया है कि इस तरह से आपका उसका वेबफॉर्म आएगा, जो कि एक इस तरह का सिग्नल दिया है, पीसी इनपुट सिग्नल ही है। ऐसे ही ऑडियो का भी दिया रहेगा इसके अंदर, अगर ऑडियो नहीं आएगा तो उसके लिए भी सिग्नल सब दिया रहता है, आउट का सिग्नल दिया है, एक आई का सिग्नल है, वेबफॉर्म कंपोनेंट। चलो ये सब छोड़ो, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसके अंदर HDMI पोर्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो आईसी आपको मैंने बताया कि ये दो आईसी, अब इसको चलने के लिए इस दोनों को इसके कोर वोल्टेज की ज़रूरत है। कोर वोल्टेज जो है 1.2 वोल्ट, कितना वोल्ट, 1.2 वोल्ट। रैम का वोल्टेज जिस हिसाब से रैम लगा हो उसका वोल्टेज, अगर DDR1 लगा है तो 2.5 वोल्ट, 2 लगा है तो 1.8 वोल्ट, 3 लगा है तो 1.5 वोल्ट, 4 लगा है तो 1.23 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जिस हिसाब से इसका वोल्टेज और रैम का वोल्टेज दोनों इसको जरूरत है इसको चलने के लिए। तो मेरे वाले केस में क्या था कि यहाँ पर जो सप्लाई बनती थी 1.2 वोल्ट वो जो है मिसिंग था, ठीक है। यहाँ पर जो 1.2 वोल्ट, अब मुझे कैसे मालूम पड़ा सप्लाई मिसिंग है, यहाँ पर आजू बाजू में जो PF लगे होते हैं, आजू बाजू में जो यहाँ PF लगे हुए हैं, ये सब पे कभी भी चेक कर लेने का कि जो PF लगा हो कभी भी सप्लाई के लाइन में ही PF लगता है, समझ में आया, सप्लाई के लाइन में ही PF लगता है, ओके। तो आपको सबसे पहले PF चेक कर लेने हैं सारे आजू बाजू के कि भाई इसके ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो मुझे वोल्टेज यहाँ पर दिखा नहीं, और जो वोल्टेज की लाइनें होती है ना, ये देखिए ये सब दिमाग वाला खेल है, जो वोल्टेज का लाइन होता है ना हल्का मोटा लाइन होता है, समझ में आया, ये सब ट्रिक है, रिपेयरिंग करने का सब ट्रिक है। जो वोल्टेज का लाइन होता है हल्का मोटा, जो सिग्नल का लाइन होता है एकदम पतला लाइन होता है कि आपको लगेगा कि ये सिग्नल का लाइन है, समझ में आया। वोल्टेज और सिग्नल के लाइन में आपको थोड़ा सा फर्क, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है, किसी के बताने से नहीं आएगा, समझ में। तो यहाँ पर लाइन थोड़ा मोटा दिखा, प्लस वहाँ पर PF भी मुझे लगा। हमेशा 90% आपको चांस वोल्टेज जहाँ पर सप्लाई रहता है ना उस लाइन में से PF लगा रहता है। जैसे अगर हमको यहाँ से वोल्टेज यहाँ ले जाना है, यहाँ से वोल्टेज यहाँ ले जाना है, तो सर्किट हमेशा चलता रहता है, इसके आजू बाजू से ट्रैक गए रहते हैं, तो इसके अंदर जो है इंटरफेरेंस जो है क्रिएट होता है, इसके लिए हर जगह जगह पर आईसी के पहले PF लगा लेगा ताकि इसके अंदर जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट मालूम ना पड़े।
तो इसीलिए आईसी के ठीक बाजू में ही पीएफ लगाया रहता है, ताकि जो नॉइस होती है, जाके जो इंटरफेरेंस होता है, वो आईसी तक ना पहुंचे और आईसी सही तरीके से स्टेबल मोड में काम करते रहे। ओके, इसीलिए होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका कंटिन्यूटी चेक किया, तो मुझे इस कॉइल के साथ में मुझे कंटिन्यूटी मिला। अब इतनी बड़ी कॉइल लगाया हुआ है और बगल में आईसी लगाया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज तो बनाएगा, लेकिन मैंने एक कॉइल पे चेक किया तो मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, इसका डेटा शीट निकाल लिया। कहाँ से? नेट से। कौन सा डेटा शीट? ये वाला डेटा शीट, जिसके अंदर वोल्टेज असाइन किया हुआ था। ये आपका हो गया इधर से, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए, ये इसका डेटा शीट मिल गया नेट से। ठीक है, तो इसके अंदर देखा कि यहाँ पर हमको 1.2 वोल्ट चाहिए। अब 1.2 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा था, 1.2 वोल्ट हमको यहाँ चाहिए। उसके लिए सबसे पहला आपको ये आईसी को रिमूव कर देना है। ये आईसी को रिमूव कर दो। उसके लिए यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ था। चलिए आपको फिर से दूसरे पेज पे ले चलते हैं, थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फ्यूज लगा था, वो फ्यूज़ को हमको निकाल लेना है। ठीक है, या फिर लगे रहने दो। अगर ये आईसी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही, वोल्टेज के लाइन में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है, वोल्टेज कोई भी ड्रॉप नहीं करा रहा है, आप वोल्टेज दिए लेकिन ये ड्रॉप नहीं करा रहा है, तो सब कुछ ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। हो सकता है कोई मैकेनिक ऐसा भी हो जिसको आप तामझाम लगाए तो पसंद ना आए, तो उसके पास अगर बोर्ड पड़ा रहेगा तो वो निकाल के आईसी दूसरा आईसी डाल देगा। लेकिन हमारे पास आईसी नहीं थी तो हमको तामझाम लगाना पड़ा, तो यहाँ पर हमको 1.2 वोल्ट देना पड़ेगा। अब किसके थ्रू दोगे? जाहिर सी बात है, आप मॉड्यूल के थ्रू दोगे। तो जो मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल है वो इस तरीके से मॉड्यूल अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में पहले ना इसको कहाँ गया, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने इसको 1.8 वोल्ट दे दिया था। ठीक है, कितना दे दिया था? 1.8 वोल्ट दे दिया था। हमको लगा कि इसके अंदर का रैम की सप्लाई जो है मिसिंग है, लेकिन जो 1.8 है तो वो यहाँ से बना के जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ से बना के जा रहा था। फिर बाद में हमने मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर 1.2 वोल्ट दे दिया। तो कभी भी आपको अगर सपोज करो कि इस जगह का आपका वोल्टेज जो है क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है कितना वोल्ट हो है, तो कम से स्टार्ट कीजिए, जैसे 1.25 से, या फिर 1.5 से, फिर 1.8 से, फिर 3, तो ऐसे देते जाइए। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो जिस पे पिक्चर ओके चले वही वोल्टेज उसका हो गया। अगर पिक्चर चलने के बाद थोड़ा रुक रुक रहा है तो थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे आप वहाँ पर 3.3 चाहिए लेकिन वो 2.5 को उठा लिया है, मतलब चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको फिर थोड़ा टाइम चलने पर दिक्कत देगा, तो बाद में आपको 3.3 कर देना है। ऐसा होता है, ठीक है, किसी सेट में, तो जिसके अंदर आपको क्लियर ना हो, किसी से पूछना ना हो। ओके, तो अब जब रिपेयरिंग करने के बाद हमारा सेट कुछ इस तरीके से चलने लगा। अब देखिए ये रिपेयरिंग के बाद का जो प्रोसेस है, अब हम हर एक HDMI पे आपको सिग्नल लगा के दिखाएंगे। अब देखिए सेट चालू हुआ, और जो चालू होने का जो फास्ट प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी सेट हम आपका रेडी हो गया है। तो कभी भी, अब देखिए यहाँ पर स्नो भी आ गया, पहले स्नो नहीं आ रहा था। ठीक है, पहले हमारे सेट में स्नो नहीं आ रहा था। अभी HDMI 4 से स्टार्ट करते हैं। HDMI 4 पे आप देखिए सेटअप बॉक्स का नो सिग्नल लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अगर आपको कुछ पिक्चर देखना है तो पिक्चर भी थोड़ा मैं लगा देता हूँ। अब HDMI 3 पे देख लेते हैं। HDMI 3 बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। आप देखिए इस पर भी नो सिग्नल लिख के आ गया है। अब HDMI सिग्नल थोड़ा सेटअप बॉक्स में कुछ मेनू वनू का लो बुला देता हूँ मैं, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। देख सकते हो कि मेनू में फ्री वाला सेटअप बॉक्स है। अब हम लोग नेक्स्ट HDMI 2 पे सेलेक्ट करते हैं।
आप देख सकते हैं टू पे भी आपको पिक्चर देखने को मिल गया है। अब हम लोग वन पे देख लेते हैं HDMI 1 पे। अब इस पे भी आपको पिक्चर देखने को मिल गया है और आपको पूरा डिटेल आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं। कोई भी सेट होने दो, चाहे सैमसंग, सोनी, LG। सोनी में तो उसके पीछे क्वाइल लगा रहता है, क्वाइल ही आपका उड़ता है, और जिसके अंदर क्वाइल नहीं उड़ेगा तो उसके अंदर IC उड़ेगी, और IC उड़ेगी तो आपका स्टैंड बाई नहीं ऑन होगा सोनी में। तो ये थोड़ा सा कॉमन बात है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जंपर मार दिया सीधा ही। देखिए देखिए ये जो PF लगा है यहाँ से सीधा यहाँ पे हम लोग जंपर मार दिए है, ओके। आप देख सकते हो बैकलाइट भी जल रहा है पीछे से, तो ये हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया, ओके। तो कोई भी पोर्ट, हर एक पोर्ट के पीछे उसका प्रोटेक्शन दिया होता है। एक बात ध्यान रखिए, आप कभी भी आप कोई भी पोर्ट यूज़ करोगे तो उसके पीछे उसका प्रोटेक्शन दिया होता है। प्रोटेक्शन किस तरह से दिया रहेगा, जैसे आप देखिए ये आपका HDMI पोर्ट हो चाहे USB पोर्ट हो चाहे कोई भी पोर्ट होने दो, सब पोर्ट के पीछे आपको एक नेटवर्क रजिस्टर सा दिखेगा। नेटवर्क रजिस्टर मतलब हो सकता है वो क्वाइल हो या फिर हो सकता है वो रजिस्टर हो, लो ओम्स का रजिस्टर होगा, जैसे कि 10 ओम्स का हो गया, ठीक है, इस तरह से लो ओम्स का रजिस्टर होगा और हर एक लाइन में लगा रहेगा, ऐसा हर एक लाइन में लगा रहेगा। तो आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, बस कंटिन्यूटी चेक करना है। उसके बाद बात आता है HDMI सेलेक्टर IC की। अगर ये सब आपका ओके है तो जाहिर सी बात है आपका HDMI सेलेक्टर IC खराब होगा। नहीं HDMI सेलेक्टर IC खराब है, जैसे कि अगर आपका जैसे कि आपका चार HDMI पोर्ट है, कितना HDMI पोर्ट है, चार, 1, 2, 3 और 4 HDMI पोर्ट है, ठीक है। सबके पीछे आपका नेटवर्क रजिस्टर लगा हुआ है, सबके पीछे नेटवर्क रजिस्टर हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क रजिस्टर, ये हो गया नेटवर्क रजिस्टर, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4 HDMI पोर्ट हो गया, बराबर। उसके बाद आता है HDMI सेलेक्टर IC की। ठीक है, HDMI सेलेक्टर IC की ये डायरेक्ट जुड़ा होता है, समझ में इस तरह से आता है। यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, मेन कंट्रोलर IC या मेन सिस्टम IC, बराबर। अब आप बताइए कि यहाँ से आपका पोर्ट बराबर है, HDMI सेलेक्टर IC बराबर है, आपने ये नेटवर्क रजिस्टर चेक किया वो भी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से भी जब यहाँ से कितना लाइन है, 1, 2, 3, 4 लाइन आया, ये सेलेक्ट करेगा और एक लाइन निकालेगा, एक लाइन के अंदर भी आपका नेटवर्क रजिस्टर आएगा और उसके बाद IC को जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि चार का चारों पोर्ट करने ना काम करने के पीछे किसका हाथ है, इसकी सप्लाई का वोल्टेज, इसको सप्लाई वोल्टेज चाहिए, VCC जो भी चाहिए इसको, वो सप्लाई नहीं मिलेगा तो भी आपका नहीं काम करेगा। सप्लाई ओके है, पोर्ट ओके है, आपको ये सारे, अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर नेटवर्क रजिस्टर खराब होगा तो ये पोर्ट सिर्फ काम नहीं करेगा, इसका खराब होगा तो ये पोर्ट काम नहीं करेगा, बहुत आप नसीब वाले रहोगे तो चार का चारों खराब रहेगा, समझ में, चार के चारों के एक एक लाइन उड़े रहेंगे तो भी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर लाइन का ही खराब है, जैसे इसका खराब बाकी तीन का ओके है तो तीन काम तो करेगा, ओके। उसके बाद में जैसे कि एक पोर्ट काम नहीं कर रहा, चारों नहीं काम कर रहा है, तो एक बार आपको ये भी रजिस्टर चेक कर लेना है, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, लोगों गलतियाँ तो कहाँ होती है, ये सब चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे गलती होता है, ये वाला कोई नहीं चेक करता है, और जो कि चारों का चारों ना यूज़ करने में बहुत बड़ा हाथ इसका ही होता है। LG के अंदर बहुत मिलता है, सोनी के अंदर आपको बहुत देखने को मिलेगा, समझ में। तो मैंने बहुत सारा फॉल्ट निकाला है ये IC के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है मालूम है कि आपको अगर ये पोर्ट आपका काम नहीं किया है, ये भी पोर्ट काम नहीं किया है, ये भी पोर्ट काम नहीं किया है, चारों में एक एक कॉइल ओपन था, दो दो कॉइल ओपन था, आपने दे दिया काम करके, चार दिन चलेगा फिर ये उड़ जाएगा, चार दिन चला फिर ये उड़ जाएगा, समझ में। ऐसा भी बहुत सारा केस आया है, तो इसीलिए जब आप जंपर मारते हो निकाल के ना, तो इसको भी निकाल के जंपर मारो, इसको भी निकाल के जंपर मार दो, सब मार दो ताकि कहानी खत्म हो जाए, वहाँ से फॉल्ट आए ही ना, ओके।
अगर HDMI IC जल्दी बहुत कम रेयर केस में ख़राब होता है, नहीं तो ख़राब नहीं होता वो, ठीक है। बहुत आपका बहुत नसीब खराब रहा तो ही ख़राब होगा, नहीं तो ख़राब नहीं होगा। अगर ये सब जैसे लाइटिंग का केस आया तो ये पूरा लेके उड़ जाएगा, कभी कभी यहाँ पर धुआं निकल जाता है इसके अंदर से, तो लाइटिंग केस में स्पेशल केस है वो सब, ओके। तो इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हो अगर HDMI रिलेटेड फॉल्ट आया तो, ओके।